कैसे आप सब, आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी दो बच्चों की कहानी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है, दो बच्चे जो कि एक ही गांव में रहते थे, एक बड़ा बच्चा 10 साल का था और एक छोटा 7 साल का, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ खेलते, एक दूसरे के साथ घूमते। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से दूर निकल आए। अचानक खेलते खेलते 10 साल के बच्चे का पैर फिसल गया और वह एक कुएं में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर जब छोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। अचानक उसकी नज़र पास ही पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी, जिस पर एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने बिना कुछ सोचे वह रस्सी कुएं में फेंकी और अपने दोस्त को उस रस्सी को पकड़ने के लिए बोला। अगले ही पल वह 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चे को पागलों की तरह कुएं से बाहर निकालने के लिए खींच रहा था। उस छोटे से बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हुआ और उसने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वो गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। खैर, दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को खेलते खेलते कुएं में गिरने और रस्सी के सारे छोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दी। लेकिन गाँव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे कि आखिर एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहाँ मौजूद एक बुज़ुर्ग ने उन बच्चों की बातों को पूरा भरोसे में लिया। उन्हें सब करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा गांव के सबसे समझदार और बुज़ुर्गों में से एक थे। गांव वालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकट्ठे होकर करीम चाचा के पास पहुंचे और बोले, चाचा हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो रहा, आप ही बता दो कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों की बात सुनकर करीम चाचा बोले, बच्चे बता तो रहे हैं उन्होंने ये कैसे किया। बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी और दूसरे बच्चे को ऊपर खींच लिया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद करीम चाचा मुस्कराए और बोले, सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने यह कैसे किया, सवाल यह है कि यह कैसे कर पाया। और इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि जिस वक्त वह बच्चा यह कर रहा था उस वक्त उसको वहाँ यह बताने वाला कोई नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह बच्चा खुद भी नहीं। तो व्यक्ति की असफलताओं का मुख्य कारण लोगों द्वारा उसे डीमोटिवेट करना होता है। यदि कोई उसे ऐसा नहीं बताता तो वह अपनी अपूर्व अक्षमताओं के साथ भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकता है। तो आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।